माई डर स्टूडेंट्स इस मॉड्यूल में हम लर्न करेंगे कि हाउ अर्बनाइजेशन इंफ्लुएंसिज फूड एंड फार्मिंग वट आर द इम्प्लीकेशनज ऑफ अर्बनाइजेशन विद रेफरेंस टू फूड एंड फार्मिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ अर्बनाइजेशन इन्फ्लुनसिज इम्प्लीकेशनज फॉर एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन जैसे जैसे हम जानते हैं कि अर्बनाइजेशन का प्रोसेस ज़्यादा होगा अर्बनाइज़ कम्युनिटी जो है वो इन उस इंक्रीज करेगी माइग्रेशन लोग ज़्यादा करके अर्बन सेटिंग में आएंगे उसी तरह से जो अर्बन एरियाज़ हैं आ, उनकी उ, उस उसकी एकोपेशन ज़्यादा होगी और उसके साथ जो रिसोर्स हैं वो भी चाहिए होंगे उनको केटर करने के लिए जो उन लोगों की नीड्स को जो माइग्रेट करके आ रहे हैं तो इस तरह से जो ओवर अर्बनाइजेशन है ग्रेजुअली इट इट वुड रिड्यूस द लैंड फॉर अर्बन सेटिंग, चूँकि लोग जो हैं वो ग्रेजुअली आपको पता है कि अर्बन सेटिंग में डिफ़रेंट बिज़नेस एक्टिविटीज़ होती हैं इंडस्ट्रीज़ लगती हैं नई नई मार्किट्स डेवलप होती हैं डिफरेंट जोनस बनते हैं रेजिडेंशल uh, जो एरियाज़ हैं वो बनते हैं तो इस तरह से ग्रेजुअली एक एक्सपेंशन का जो सिस्टम है अर्बन सेटिंग में वो हमें देखने को मिलता है तो उस एक्सपेंशन से जो सबसे ज़्यादा उसकी इम्प्लीकेशनज़ हमें नज़र आती हैं वो ये आती हैं कि जितने भी हमारे सिटीज़ हैं उनके एडजेसेंट एरियाज़ जो हैं जो एग्रीकल्चर एरियाज़ हैं वो फिर कम होते जाते हैं और जब एग्रीकल्चर एरियाज़ कम होते हैं तो डेफिनेटली उसकी वजह से यानी उससे रिलेटेड जो सिटीज़ हैं उनको फूड सप्लाई और ग्रेन्स और डिफरेंट क्रॉप्स और इस तरह से वेजिटेबल्स सच सच काइंड ऑफ आर्टिकल्स जो हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं उनकी फिर शॉर्टेज होती है या फिर उनको दूसरे शहरों से मंगाना पड़ता है तो इस तरह से जो अर्बनाइजेशन uh, का प्रोसेस है अल्टीमेटली वो सिटी uh, सेटिंग के साथ साथ जो लैंड है उसकी उसके ऊपर उसकी इम्प्लीकेशन होती हैं और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो हैं उनके ऊपर भी उसके असरात मुरतब होते हैं अर्बनाइजेशन हाईलाइट फॉर रेपड ग्रोथ ग्रास वर्ड प्रोडक्शन एंड इंडक्शन ऑफ वर्कर्स इन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस एंटरप्राइजेस के डिफरेंट अर्बनाइजेशन के रिज़ल्ट में लोग जो हैं वो डिफरेंट बिजनेस एंटरप्राइज़ में और सर्विसेज की वजह से शहरों का रुख करते हैं और इस तरह से अर्बनाइजेशन जो है वो यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड को ग्रेजुअली कम करती जाती है और इकनॉमिकली अगर हम देखें तो एक्टिव पापुलेशन एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री एंड सर्विसेज एक्सीड्स द प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री माइनिंग एंड फिशिंग यानी जो एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं जिनमें एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ डिफरेंट कल्टीवेशन है या उसमें फॉरेस्ट्री है माइनिंग है फ़िशिंग है तो उस साइड पे लोगों का ट्रेंड कम हो जाता है और अर्बन एरियाज़ में जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं या डिफरेंट इंडस्ट्रियल यूनिट्स की एस्टेब्लिशमेंट है तो चूँकि वहाँ से जो उनका टर्न ओवर है वहाँ से पे बैक जल्दी होता है तो इस वजह से लोग जो है फिर उस तरह की एक्टिविटीज़ में चले जाते हैं और यूँ ग्रेजुअली जो इंडस्ट एग्रीकल्चर साइड है वहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट कम होता है तो अगर वो लोग उधर शिफ्ट करना शुरू हो जाएंगे तो फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है उसके ऊपर असरात पड़ेंगे और उसकी वजह से अल्टीमेटली हमारे जो फूड की रिक्वायरमेंट्स हैं जो उनके ऊपर असरात पड़ेंगे वैसे भी हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में डिफरेंट फेजेस में हमने देखा कि जो डिफरेंट जैसे आटे का बहरान है या शुगर का बहरान है तो वो इंडिकेट करता है कि कैसे जो अर्बनाइजेशन का अमल है या ओवरऑल एक पापोलेशन ग्रोथ है वो किस तरह से हमारे रिसोर्स की प्रोडक्शन को एडवर्सली इंफ्लुन्स कर रही है तो इट इज़ लाइकली दैट द प्रपोर्शन ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन नाट प्रोड्यूसिंग फूड विल कंटिन्यू टू ग्रो यानी अल्टीमेटली जो ग्रेजुअली पॉपुलेशन का एक साइज़ uh, है uh, अगर वो बढ़ता जाएगा तो जो शॉर्टेज है जो आइटम्स की जो फूड आइटम्स की और फार्मिंग uh, के लिए जो लैंड है उसकी शॉर्टेज होती जाएगी क्योंकि अर्बनाइजेशन uh, की वजह से सिटीज़ एक्सपेंड करेंगे और इस तरह से लैंड की यूटिलाइजेशन जो है आ, वो भी आ, अगर अर्बन सेटिंग में ज़्यादा होगी तो फिर एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए उसकी अवेलेबिलिटी कम होगी तो इसलिए हम, हमें हमें यह देखना है कि जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको एक बैलेंस रखना होगा और डिफरेंट ऐसी पॉलिसीज़ बनानी होंगी कि जिसकी वजह से लैंड की यूटिलाइजेशन जो है वो प्रॉपर हो और साथ ही साथ गवर्नमेंट्स को एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ को भी प्रमोट करना होगा और उनको ऐसे इंसेंटिव देने होंगे कि वो जो मेन फसलें हैं उनको उगाएं और हमारे मुल्क में उसकी शॉर्टेज ना हो और हमें डिफरेंट आइटम जो हैं वो बाहर से इंपोर्ट ना करना पड़े तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे जैसे वैसे भी अगर इसको आप मालथस के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो रिसोर्स जो हैं अगर वो कम रफ्तार से बढ़ेंगे और पापुलेशन ज़्यादा रफ्तार से बढ़ेगी तो उसकी वजह से डेफिनेटली मसाइल पैदा होंगे एक इम्बेलेंस की सिचुएशन पैदा होगी यानी बिटवीन द रिसोर्स एंड साइज ऑफ द पापुलेशन तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी अगर हम देखें तो जैसे जैसे अर्बनाइजेशन ज़्यादा होगी उसके लिए ज़्यादा फूड और डाइट्री uh, जो ऑब्जेक्ट्स हैं आर्टिकल्स हैं डिफरेंट चीज़ें हैं उनकी ज़रूरत होगी तो अगर पापुलेशन uh, और अर्बनाइजेशन को हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो डेफिनेटली uh, जो फूड और फार्मिंग है उस वो दैट विल बी एडवर्सली इन्फ्लुएंस्ड